देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। जिस उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना हमारे शहीदों ने की थी, आंदोलनकारियों ने की थी, क्या उस राज्य को निर्माण हम कर सके हैं? क्या वो सपना हमारे शहीद आंदोलनकारियों का पूरा हो चुका है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब हर उत्तराखंडी आज जानना चाहता है। उत्तराखंड चुनाव 2022 सर पर है और ये वो मेला है जिस मेले में उत्तराखंड के निवासी अपने भाग्य का निर्धारण करते हैं, चुनते हैं ऐसी सरकारों को जो सरकारें उन्हें मूलभूत सुविधाओं से लेकर हर सुविधा उपलब्ध करा सके। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज 21 वर्ष के इस युवा प्रदेश में अभी तक पहाड़ों में सड़कें नहीं पहुंच पाई, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं अभी तक बदहाल स्थिति पर बनी हुई हैं। ऐसे में क्या प्रदेश के जो युवा हैं, अब युवा पीढ़ी है, उनकी सोच बदली है? क्या इस 2022 के चुनाव में युवा कोई निर्णय लेगा? क्या ऐसा किसी जनप्रतिनिधि को चुनेंगे जो जनप्रतिनिधि करेंगे इनके भाग्य में बदलाव? आइए आज हमारी इस रिपोर्ट में जानेंगे युवाओं से और पूछेंगे लोगों से कि उनको किस तरह के नेता की उन्हें ज़रूरत है और किस तरह का नेता इस बार जनता चुनने के मूड में है। जिस उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना पहाड़ों के विकास और पलायन को रोकने के लिए की गई थी, वो परिकल्पना आज तक धरातल पर नहीं उतर पाई। 21 सालों में भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश की सत्ता बारी बारी से हासिल की, लेकिन राज्य बनाने के पीछे जो मंशा एक मूल उत्तराखंडी की थी, वो कहीं खो सी गई है। उत्तराखंड बनाने का जो सपना उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था, वो आज तक राजनीतिक दलों के निजी स्वार्थों के चलते पूरा नहीं हो पाया। बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बिजली पानी जैसी भी प्रदेश की जनता को सिर्फ राजनीतिक मंचों पर ही मिल रही है, धरातल पर नहीं। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय। अब एक बार फिर से प्रदेश में चुनावी मेला लगा है जिसमें जनता अपने भाग्य विधाता को चुन सकती है, लेकिन क्या 2022 में युवा प्रदेश की जनता अपने भाग्य विधाता को सही से पहचान पाई है? क्या जनता यह तय कर पाई है कि कौन है वो दल जो उनकी समस्त समस्याओं का समाधान कर सकता है? साथ ही सवाल है कि क्या प्रदेश का युवा इतना सजग व समझदार हो चुका है कि वह अपने लिए अब योग्य जनप्रतिनिधि का चुनाव स्वयं कर सके? राज्य बनने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस प्रदेश की सत्ता पर राज किया और घोटालों की बुनियाद खोदकर प्रदेश को गर्त में धकेल दिया। यही नहीं, जिन बेरोजगारों को 70% रोजगार प्रदेश में देने की योजना बनाई, वो कभी पूरी नहीं हुई। बेरोजगारी बढ़ी तो पलायन भी बढ़ गया और प्रदेश का युवा दूसरे प्रदेशों में जाने को मजबूर हो गया। शिक्षा की बदहाली का आलम यह रहा कि सरकारी स्कूल बंदी के कगार पर हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था डॉक्टरों की कमी के चलते बदहाल है। यही नहीं, नारों में बने ऊर्जा प्रदेश की जनता महंगी बिजली खरीदने को मजबूर है। बावजूद इसके भाजपा और कांग्रेस इस प्रदेश की जनता को 21 सालों से घोषणाओं से गुमराह कर रही है, जिसके चलते लगता है इस बार जनता अपना मन बदल चुकी है और सिर्फ पार्टी का सिंबल ना देखते हुए योग्य उम्मीदवार चुनने का फैसला कर चुकी है। आइए सुनते हैं युवाओं को कि वास्तव में प्रदेश के युवा अब क्या चाहते हैं और क्या है जनता के मन की बात। देखिए, उत्तराखंड का गठन जो हुआ था, एक छोटे राज्य के रूप में हुआ और ये मानकर किया गया कि इस छोटे राज्य की तरक्की बहुत अच्छी होगी। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, एक छोटा हिस्सा अलग होगा, यहाँ पर अपने संसाधन काफ़ी थे, ऊर्जा यहाँ का मुख्य संसाधन है, पर्यटन यहाँ का मुख्य संसाधन है, जो था पंडित नरेंद्र तिवारी जी के अलावा किसी भी CM ने आकर किसी भी क्षेत्र में कोई भी अपना योगदान इस कार्य के लिए नहीं दिया कि कोई यहाँ पर प्रगति हो, विकास हो। और छोटे छोटे कार्यकाल में यहाँ का मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है, केवल माननीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने पूरा अपना कार्यकाल किया। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो चुके हैं और 21 साल में भाजपा के भी मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। हमने दोनों को मौका देके देखा है, लेकिन आज तक उत्तराखंड में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। बेरोजगार युवा आपको हर कोई मिल जाएगा, युवाओं के लिए कोई भी सुविधा नहीं कर रखी है किसी भी सरकार ने। देखिए, 21 सालों में कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों का एक ही काम रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की मुहिम पर आगे बढ़ते रहे
जनता को ठगते रहे, जितना पैसा वहाँ से आ रहा था सरकार से वो सब विधायकों ने खाया है। और इस बार हम लोगों ने ठान रखा है कि कुछ भी हो जाए परिवर्तन करके रहेंगे। देखो साहब, हर आदमी इस समय आज के ज़माने में, आज के टाइम में, राष्ट्रपति में हर आदमी जनता जी बदलाव चाह रही है, क्योंकि देखो जितना विकास होना चाहिए उतना विकास आज तक नहीं हो पाया है। और 21-22 साल करीबन उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी विकास की संभावना नहीं आई कि जिससे आदमी को लगे कि हाँ भाई विकास हुआ है इस पार्टी के अंतर्गत। लेकिन आज के जमाने, आज का टाइम ये है कि थोड़ा सा आदमी थोड़ा सा जागरूक हुआ है कि चलो भाई ऐसी पार्टी को दो ताकि जो आगे विकास हो सके, काशीपुर का अपने विकास होगा, हो जाए पूरे उत्तराखंड में विकास हो जाए, प्रोग्रेस हो। इस हिसाब से आदमी चाहता है कि मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये सब मैं हूँ, ऐसी और भी बहुत जनता है जो चाहती है बदलाव। सर, ये उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं लगती हैं बिल्कुल भी, कितनी भी पार्टी आई गई उसमें भी लगता नहीं कि महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है या कोई फैसिलिटी मिल रही है या कोई, यहाँ लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए गलती होता है। हम यही चाहते हैं कि इस बार उत्तराखंड में ऐसी सरकार बने जो कम से कम मुख्यमंत्री ना बदले और अपनी नीतियाँ बदले, जो नीतियाँ रही हैं युवाओं के लिए कम से कम उसके बारे में कुछ सोचे। मैं युवा हूँ सर, मैं मानता हूँ कि मेरे पास आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल जीरो है। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे किसी सरकार ने काम किया होता तो आज ये स्थिति ना होती। युवा दर दर भटक रहा है, परेशान है, देख लीजिए हम यहाँ फंसे हुए हैं, रास्ता देखिए आप साहब, इधर उधर हर तरफ बजरी रेता पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये पानी ही वजह है कि डेंगू जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। कोविड का देख लीजिए, जिस तरीके से कोविड फैला हुआ है, क्या इनकी व्यवस्था है, किस तरीके से कॉलेज, किस तरीके से हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, कोई चीज़ें नहीं है यहाँ। तो हम चाहते हैं कि इस बार ऐसी सरकार हो कि कम से कम ऐसी सरकार को चुना जाए जो ये जो राजनीति चल रही है दलगत राजनीति से अलग राजनीति पे काम करे और कुछ करके दिखाए। उद्योग शून्य, बेरोजगारी चरम पर, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल और शिक्षा निजी हाथों में खेल रही है, ये हाल है उत्तराखंड जैसे युवा प्रदेश के, जहां खुद के संसाधनों के बावजूद विकास की डोर कभी पेंग नहीं बढ़ा पाई और राजनीतिक दल सिर्फ चेहरों को सामने कर जनता को गुमराह करते रहे। कभी ब्यूरोक्रेसी हावी रही तो कभी जननेता इतने हावी रहे कि घोटालों की इमारतें ही खड़ी कर डाली। 2022 का बदलाव आखिर किसको ताज पहनाता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस बार सिर्फ दो ही नहीं बल्कि चार से अधिक पार्टियों सहित सैकड़ों निर्दलीय उम्मीदवार 2022 की रेस में दौड़ रहे हैं और ये धावक इन बड़ी पार्टियों के समीकरण बिगाड़ने का पूरा मादा रखते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बदहाल हो चुके इस युवा प्रदेश का ऊंट किस करवट में बैठता है। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए मुख्य संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।